नमस्कार और आप देख सकते हो मेरे घर के बाहर का व्यू मेरे ससुराल के बाहर का आपको जितनी भी सामने की जगह दिख रही है ये सब मेरे हैं और पेड़ पौधे ये सब आ, मतलब मेरे यहाँ के हैं ससुराल के मॉर्निंग इस टाइम बज रहे है सुबह के पाँच बज रहे मैं जग गई हूँ बाथरूम से आ गई हूँ देखो कल मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे जिनको मैंने बेड पे रात में बूंदा बांधी हुई थी तो बेड में ऐसे ला के डाल दी हूँ बेड में चादर भी नहीं बिछाई क्योंकि बहुत गर्मी बेड में तो मैं लेटे ही नहीं बाहर ही थी हॉल में बैठी थी तो दोस्तों ब्लॉक में बने रहेगा ब्लॉक का आनंद लीजिए अब मैं लगाऊंगी पैस सबसे पहले घर की लक्ष्मी माता से मिलूंगी यानी झाड़ू लगाऊंगी हमारे यहाँ झाड़ू की मान्यता है झाड़ू को लक्ष्मी जी भी कहा जाता है और अभी बच्चे हमारे सो रहे हैं अभी पेंटिंग शुरू नहीं हुई है मगर एक दो दिन बाद पेंटिंग शुरू हो जाएगी आज बुलाया गया मिस्त्री को कल क्योंकि कल तो शरबत वाला काम चल रहा था इसकी वजह से नहीं हुआ आज मिस्त्री को बुलाया जाएगा तब होगी तो दोस्तों ब्लॉक में बने रहिएगा ब्लॉक का आनंद तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह का टाइम है मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो गया इस टाइम बज रहे हैं सुबह के पाँच बज है, सुबे -सुबे रहे हैं और मैं सुबह सुबह लगा रही हूँ झाड़ू और उस साइड से मेरी जेठानी जी का लड़का यानी जो दूसरे नंबर वाली जेठानी जी है उनका बड़ा लड़का वहाँ से निकला है और मैं इस टाइम पर मैं सारा दिन तो साड़ी पे पहनी थी मगर रात को नाइटी पहन ली थी नाइट ड्रेस में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यह है कि लाइट बनी रहती देखो इन्वर्टर से कितना काम चलेगा नहीं चल सकता मगर हाँ लाइट बनी हुई थी तो हम लोग आराम से सोएं और मैं अपनी जेठानी जी के पास सोती हूँ उन्हीं के पास जैसे कि मैं कल अपनी वीडियो में शेयर किया था उन्हीं के साथ मौज मस्ती किया करती हूँ तो अच्छा लगता है गांव में जब भी आओ और ये मेरी बड़ी वाली जेठानी जी पीछे से गुजर रही थी और ये मैं सुबह टाइम टाइमिंग मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम पे सारा काम कर रहे थे और ये मैं कल अपनी साड़ियों को धुले थे जो कि मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं जैसे कि आपको मालूम है जब भी मैं ससुराल आती हूँ तभी मैं साड़ी पहनती हूँ और मैं अपने कमरे में मेरा कमरा भी अस्त व्यस्त ही रहता क्योंकि मैं जब यहाँ रहती नहीं हूँ तो ज़्यादा उसको सजा संवार के रखी नहीं हूँ हाँ मैं <coughs> हाँ दोस्तों मैं जब कभी कभार आती हूँ तो ऐसे ही रहती हूँ तो मैंने बेड पे ये बेड पे गद्दा बिछा हुआ इस पर कवर चढ़ा है ना कि मैंने इसमें बेड शीट वगैरह नहीं डाली और यहाँ पे एक एक करके अपनी साड़ियों को जो मैंने धुली थी पाँच से छः साड़ी दरअसल क्या हुआ था मैं जब आई थी तो इनको बाहर आलमारी में ही ऐसे रख के चली गई थी तो ये थोड़ा धूल मिट्टी की वजह से गंदे थे जिनको मैं वापस धुली हूँ और धुलने के बाद फिर एक एक करके मैं पहनूँगी तो यहाँ पर देख देख सकते हो मैं सारे फोल्ड एक एक करके रख रही हूँ और दोस्तों और आपको आप लोग मेरे ससुराल पक्ष की वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे देख सकते हो सारे कपड़ों को मैं फोल्ड एक एक करके फोल्ड कर दूंगी अभी मैं मम्मी यहां हो के यहाँ से होके आई थी आप लोगों के साथ मम्मी के यहाँ जब गई थी वीडियो नहीं शेयर की क्योंकि मैं मम्मी के साथ घूमने गई थी वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गया था जिसकी वजह से वहाँ गांव के एक भी वीडियो नहीं बनाए मगर यहाँ ससुराल के जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये साड़ी कैसी लग रही ये मैरून कलर है इसमें रेड दिख रहा बल्कि मैरून है और साथ में कढ़ाई भी है और ये चुनरी वाली साड़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत बहुत ही मतलब पसंद है और मेरे पास ज़्यादा जो है सिंपल साड़ियाँ नहीं है ज़्यादातर कढ़ी भरी भारी सी साड़ी है क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ जो भी लेती हूँ जैसे फंक्शन वगैरह होता है जो भी कार्यक्रम होता है उसी में मैं साड़ी लेती हूँ तो भारी भारी सी लेती हूँ और फिर दोस्तों ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इस जगह पे जब मैं इलाहाबाद में थी तो वहाँ का वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं बना रही थी पूड़ियाँ और दोस्तों आज है बारह जून और गर्मी तो बहुत ही तेज़ है और आज लाइट भी नहीं आ रही कहा जा रहा कहीं पे लाइन गिरी हुई है क्योंकि देखो कल भी कहीं आंधी तूफान आता है ना थोड़ा बहुत तो इस साइड में क्या होता है कि लाइट को काट देते क्योंकि कहीं बड़ी कुछ समस्या ना हो पाए इसकी वजह से लाइट को काट दिया जाता और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये मेरी जेठानी जी हैं तुलसी जी का पौधा है और ये एलोवेरा कढ़ी पत्ता है तो तुलसी जी का अर्घा वो बनाई थी पौधे के पास में कहते तुलसी जी होनी चाहिए तो ये घर के पीछे साइड का जो मैंने आपको बताया था आ, पीछे साइड की जो जगह है वहीं पे तुलसी जी लगी हुई है और ये इधर मिट्टी उट्टी डाली जा रही और ये कुटाई उटाई हो रही और ये देख सकते हो इस मशीन को शायद डिल मशीन कहते हैं दीवार वगैरह क्या खोदने की मशीन होती है जो कि मैं आप लोगों को दिखाई हूँ यहाँ ये ऐसे करके बंद कर दो तो जो वायरिंग का काम चल रहा कहीं तोड़ना कहीं कुछ लगा हुआ और ये है इसे कहते हैं इसे कहते हैं अरे वही मोटर कहते हैं जो जो कि लगी रहती और ये देख सकते हो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दरार आ गई दीवार में प्लास्टर वगैरह चिटका है तो इसको पहले प्लास्टर को तोड़ा जाएगा फिर उसके बाद इसमें पुट्टी भरी जाएगी तब होगा और देख सकते हो हमारे यहाँ पीओपी की डिजाइन बहुत अच्छी बनी हुई थी तो ये बाहर का जो बरानदा था उसका है और मेरे अब मतलब अंदर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब मधुबली का आती है। और इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के एक बज रहे हैं लाइट चली गई कहीं पे लाइट गिर गई है जिसकी वजह से चली गई मेरी वॉइस क्योंकि आप लोग कहते हो मगर मैं ससुराल में और यहाँ से बाहर गई गुड आफ्टरनून क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के दो बज रहे हैं और हमारे यहाँ काम धाम शुरू है जैसे कि आपको मालूम है शादी के ठीक एक मंथ है आज दिन के दिन बहू जी आएंगी विदा होके तो देखिए वायरिंग वगैरह सब खोली गई है और यहाँ पे मेरी जेठानी जी से मिलवाते हैं जो कि कुछ काम कर रही हैं क्या कर रही हूँ दीदी दीदी हमारी बोलेंगी नहीं मौन व्रत है अरे बोलो कहे हमने कहा दीदी बोलो कहती हट <laughs> <laughs> दूसरे लोग कह रहे हैं अंडा रख <laughs> तो वीडियो में तो आएगा और ये देखो ये है क्या नाम निहाल निहाल कौन से क्लास में पढ़ते हो चार <laughs> और दीदी हमारी बना रही बिस्तर तो ये मेरी बड़ी वाली जेठानी अपना मुंह दिखाना नहीं चाह रही आओ इधर आओ अरे इधर आओ कति नहीं बे। <laughs> <इधर आगे। laughs> अरे आओ तो हटो नहीं आओ आओ समझा करो बात को आ, वो।, आ, आ, वो, वो भी आएंगी वो तो आई तो अभी कल ही डाले इनका वीडियो रोज ही डालते आप आओ इधर आ तो बताए तो मेरी जेठानी जी के देखो इन्होंने जो साड़ियाँ थी क्योंकि शादी का घर है तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार आएंगे और बिस्तर वगैरह छत पे भी डालने की जरूरत है क्योंकि छत पे भाई मतलब कई लोग लेटेंगे जैसे बहुत सारे नाते रिश्तेदार आएंगे हमारे यहाँ फैमिली बहुत बड़ी है मायके में तो नहीं है मगर ससुराल की फैमिली बड़ी है तो इसकी वजह से आप देख सकते हो ये दीदी हमारी बिस्तर बना रही जो कि साड़ी वगैरह जो भी है उन्हीं को डाल के बढ़िया हाँ। से चाची रेत तो छोटी है ही है हाँ तो देखो बहुत बोलता है जितना छोटा उतना छोटा और ये देखो ये मेरी बीच वाली जेठानी जी हैं पल्ले वल्ले को संभाल लो थोड़ा सा ये देखो तो अभी काम धाम चालू इसीलिए सारा सामान सब बाहर इधर से उधर फैलाव हो रहा ना दीदी अभी इनके कमरे का बेड सब हटाया जाए वायरिंग वायरिंग हटाई जा रही वायरिंग पूरी खोल ली गई क्योंकि अभी सही करना है उसके बाद तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप इस शेयर में नाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मगर बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे बहुत ही तेज इतना तेज और जमाने से ज्यादा तेज है ये के अपना इंट्रोडक्शन दो हमसे तुम दो अपना इंट्रोडक्शन का दई का इंट्रोडक्शन तो बोलो हां नाम निहाल है मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी मम्मी इस समय मामा के घर गई हैं मेरी बहन भी मामा के घर हैं है अरे दाँत चूहा ने खा डाला देखे कई साल के हो तुम आठ नौ, नौ साल के हो गए हैं नौ साल के हो